सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपको चावल का फरा बनाना बता रही हूँ। ये देखिए उसके सामग्री क्या है। यह है उड़द की दाल जो मैंने रात में भिगो के रख दी थी। आपको जब भी फरा बनाना हो तो आप 7-8 घंटे पहले इसको भिगो के रख देंगे, चावल ये चने की दाल को और उड़द की दाल को दोनों को। ये मैंने एक एक कटोरी लिया है, ये फूल के इतनी हो गई है। और ये है चावल का आटा, ये आधा किलो करीब है। ये मैंने आपको वीडियो डाला है, ये आप देख लीजिएगा चावल का आटा बनाना कैसे बनाया जाता है। और ये है 4 हरी मिर्च है, अदरक है ये, और 7-8 कली लहसुन है, इसको हमें पीसना है। और ये धनिया है कटी हुई, और ये सूखी हुई धनिया है जो मैंने रोस्ट कर लिया तवा पे। और ये है, ये मसाला है जो मैं रायता और दही बड़ा वगैरह सब में डालती हूँ। इसमें जो भुना जीरा है, लाल मिर्च और नमक, हींग, और ये गरम मसाला है। ये भी मैंने आपके लिए वीडियो डाला हुआ है, ये भी आप देख सकते हैं। और ये हींग है, ये नमक है, ये खटाई है पिसी हुई, और ये तेल है। तो हम सबसे पहले इसको पीस लेंगे और ये दोनों चीज़ मिक्सी में पीस लेंगे। ये आप जैसे या तो सिलबट्टे में पीसते हैं, सिलबट्टे में पीस सकते हैं, क्योंकि हमको इसमें इसको ज़्यादा गीला नहीं करना है, तो हमको ज़्यादा पानी नहीं डालना, इसकी हमको फिलिंग बनानी है। तो अगर गीला हो जाएगा तो फिलिंग जो है अच्छे से नहीं बनेगी, इसलिए हमको इसको थोड़ा टाइट रखना है, बहुत कम पानी डाल के करना है, पीसना है। अगर चने की दाल तो ठीक से पिस जाती है, बट ये उड़द की दाल चिकनी होती है तो ये ठीक से नहीं पिसती है। तो हम इसको दोनों को आधा आधा मिला के तब पीसेंगे तो अच्छे से पिस जाएगी। और हमको इसको बहुत ज़्यादा महीन भी नहीं करना है, दरदराई पीसना है। और ये चावल का आटा है जो, इसको हम गूंद के रख लेंगे। इसको भी हमको थोड़ा सा सेट होने के लिए रखना है, तो 20 मिनट इसको भी इसका आटा गूंद के और हम 20 मिनट करीब इसको रख देंगे, क्योंकि चावल जो है फूलता है थोड़ा सा। तो अब हम इसको पीसते हैं। ये चावल का आटा मैं पहले गूंद ले रही हूँ। ये चावल का आटा लिया और इसमें थोड़ा सा नमक डाला, और ये ऑयल है, ये 1 चम्मच ऑयल डाल दे रहे हैं। इसको हम अच्छे से गूंथ लेंगे। ये देखिए मैंने आटा गूंथ लिया है इसका, चावल का। अब हम इसको थोड़ा सेट होने के लिए रख देंगे। अब हम इन सब चीजों को पीस लेंगे। ये धनिया को दरदरा पीसना है, इसको अच्छे से महीन कर लीजिए, या दरदरा हल्का सा रहा है और ये भी थोड़ा सा दरदरा ही रहेगा। अब हम इसको पीस लेते हैं। ये देखिए हमने पीस लिया है, इसी में लहसुन और अदरक वाला जो पेस्ट बनाया था वो भी डाल दिया है। अब इसमें हम धनिया डाल देंगे, और ये सूखी वाली धनिया जो है ये भी डाल देंगे, और थोड़ा सा गरम मसाला 1 चम्मच, और ये मसाला जो मैंने बताया इसकी जगह आप केवल लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, आपको जितनी लाल मिर्च चाहिए हो, पसंद हो, आप लोग जैसा तीखा खाते हो वैसा डाल सकते हैं। और फिर ये हींग है, 1 चम्मच हींग डाल देंगे, और पिसी खटाई है ये भी 1 चम्मच करीब डाल देंगे, और इसको हम मिक्स कर लेंगे। और नमक डालना है, नमक डाल के फिर हम मिक्स कर लेंगे।
नमक मैंने 2 चम्मच करीब डाल दी है। मेरा चम्मच थोड़ा छोटा है इसका, आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने ये कुकर में पानी रख दिया है, तो अभी इसको हमको फरा को इसमें उबालना होगा, इसलिए मैंने कुकर में पानी रख दिया। आप कुकर में या भगोने में किसी में भी रख सकते हैं। और उसमें नमक डाल देंगे, थोड़ा सा नमक डाल देंगे और थोड़ा सा तेल डाल देंगे कि एक दूसरे से चिपके नहीं। और फिर हम फरा इसमें बना के डालेंगे। अभी फ्लेम को स्लो कर दे रहे हैं और हम इसकी छोटी छोटी लोई बना लेंगे। इतनी बड़ी लोई बना लेंगे। फिर इसको चावल का आटा है, आप अगर ऐसे हाथ से भी बना सकते हैं तो ऐसे हाथ से बना लीजिए, थोड़ा चिपकता है ऐसे करके आराम से। और फिर इसमें इतना बड़ा करके हम इसमें ये फिलिंग भर देंगे, ये जो मैंने बनाया है। और इसको ऐसे बंद कर देंगे, जैसे गुजिया होती है उस तरह से ऐसे हम इसको बंद कर देंगे। ये देखिए, इसी तरह से हम सब बना बना के रख लेंगे, 4-5 बना के रख लेंगे। ये एक मैं बेल के दिखा दे रही हूँ, ये बेल सकते हैं ऐसे या तो हाथ से बना सकते हैं। हल्के हल्के हाथ से करना है, नहीं तो टूट जाएगा। और इसमें हम फिलिंग्स ऐसे भर देंगे। और फिर इसको ऐसे सब तरफ से दबा के बंद कर देंगे। और हम इसको ऐसे ही खौलते पानी में इसको डाल देंगे। और इसको उबलने देंगे। आंच को थोड़ा सा कम कर देंगे, हल्का सा। इसको धीरे धीरे ऐसे पकने देंगे और हम बना के ऐसे न रख लेंगे। फिर अगला जब ये निकल जाएगा उसके बाद इसको डालेंगे। ये जब बन जाएगा तो ये तैर के ऊपर आ जाते हैं पानी में, तो उससे पता चल जाता है कि ये हमारे फरा तैयार है। तो इसको हम ऐसे बना बना के रखते जाएंगे ऐसे। 12-13 मिनट करीब हो गए हैं इसको। अब हम इसमें ऐसे चाकू डाल के देखेंगे। ये चाकू अगर हमारा देखिए साफ बाहर आ जाता है तो इसका मतलब है कि ये पक गया है। तो हम इसको निकाल लेंगे और दूसरा डाल देंगे, जो दूसरा हमने बना के रखा हुआ है। मैंने निकाल लिए हैं फरा, और अब हम इसमें और डाल देंगे। पानी में से मैंने निकाल लिया था, जो पानी बचा है इसमें हम दूसरे और डाल देंगे। अब हम इसको छौंकेंगे, थोड़ा सा फ्राई कर देंगे तो उससे और अच्छा लगेगा। हम ऐसे भी जो है चटनी से, ग्रीन चटनी से, या फिर जो इडली वाली चटनी होती है मूंगफली वाली, उससे भी खा सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा लगता है। और या तो हम इसको ऐसे फ्राई करके खा सकते हैं। अभी मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। अभी मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है और मैंने ये एक छोटा सा प्याज काट लिया है और हरी मिर्च काट ली है। तेल गरम हो गया है। अब हम इसमें जीरा, राई और कड़ी पत्ता डाल देंगे। और ये फिर प्याज और हरी मिर्च
ये थोड़ा सा भुन जाएगा जब प्याज, तो हम इसमें हल्की सी हल्दी डाल देंगे। अगर आपका मन नहीं है तो हल्दी नहीं ना डालिए, कोई बात नहीं। और हल्का सा नमक डाल देंगे। बिल्कुल जरा सा नमक डालेंगे क्योंकि इसमें तो पड़ा ही हुआ है, मिर्ची हल्दी सब नमक मक तो सब पड़ा ही हुआ है। और इसको ऐसे डाल के इसको हम 3-4 मिनट ऐसे भून लेंगे और फिर निकाल लेंगे। आप भी ये मेरी रेसिपी ट्राई करिएगा और कमेंट में बताइएगा, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखिए और हम इसे ये देखिए बनकर तैयार है। ये मैंने छौंक के निकाल लिया। ये और ये टमाटर की चटनी है, और ये नारियल और मूंगफली की चटनी है। आप किसी भी चटनी के साथ या सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। मेरी वीडियो के उनको लाइक करिएगा जरूर, और बेल बटन जरूर दबाइएगा जिससे आपको मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू।